Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to SEU, Spoken English in Urdu. So today we are going to learn 15 idiomatic expressions, or you can say expressive phrases, whatever you want to say. Now let's get started. The first phrase that we have here is Main apne alfaz wapas leta hun. Main apne alfaz wapas leta hun. I take my words back. I take my words back. Main apne alfaz wapas leta hun. ठीक है, ये बहुत इजी है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है. टेक बैक का मतलब वापस लेना, ये एक फ्रेजल वर्ब है. टेक का मतलब होता है लेना, और जब इसके साथ बैक लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है टेक बैक, मतलब वापस लेना. अल्फाज वर्ड्स बहुत इजी सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है. आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ. दैट्स इट. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड सेंटेंस दैट वी हैव हियर. All right. Now the second sentence is काश मैं परिंदा होता. काश मैं परिंदा होता. I wish I were a bird. I wish I were a bird. I wish I were a bird. ठीक है, काश मैं परिंदा होता. यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी कि जब भी आप ऐसी अपनी डिजायर शो करते हैं जो कि अब इम्पॉसिबल है, मतलब एक पास्ट डिजायर आप अपनी शो करते हैं, माजी में आपकी ये ख्वाहिश होती है किसी भी कोई काम करने की, और वो आप ख्वाहिश अपनी जाहिर कर रहे होते हैं कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता. उर्दू में हम इसके लिए काश का वर्ड यूज करते हैं, यानी कि अब तो ये काम नहीं हो सकता, अगर होना होता तो हो जाता, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है. तो उसके लिए इंग्लिश में आई विश का वर्ड यूज होता है, सबसे पहले आई विश, और उसके बाद आपका पास्ट सिंपल का टेंस यूज होता है. ठीक है, और उसके अंदर इवन के He, she, it हो या आई वी यू दे, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के साथ आपके ये वर का वर्ड लगता है. नॉर्मली पास्ट सिंपल के अंदर आई के साथ वॉज लगता है, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ भी वॉज लगता है, वी दे यू के साथ जो है और प्लूरल नाउन के साथ वर लगता है. लेकिन जब आप ऐसी अनरियलिस्टिक अपने डिजायर बता रहे होते हैं जो कि अब मुमकिन नहीं है, तो उसमें आप वर का वर्ड यूज करते हैं. आई विश आई वर अ बर्ड, ए काश के मैं परिंदा होता. Now the third sentence that we have here is वो English नहीं बोल सकता है. वो English नहीं बोल सकता है. The translation is he can't speak English. Can he? अच्छा, वो English नहीं बोल सकता है ना, ये है असल उर्दू. वो English नहीं बोल सकता है ना. He can't speak English. Can he? ये जो है tag questions कहलाते हैं. Tag questions का मतलब ये होता है कि आप जो सवाल कर रहे होते हैं वो दरअसल आपका मकसद सवाल करना नहीं होता, बल्कि अपने सवाल की somehow confirmation होता है कि आप अपने जो आप सवाल कर रहे होते हैं वो एक तरीके से आप उसके बारे में 80% 70% श्योर होते हैं कि आपका सवाल सही है. मतलब आपका सवाल करने का मकसद इंफॉर्मेशन सीकिंग नहीं होता, टू सीक इंफॉर्मेशन अबाउट दी आंसर. ठीक है, बल्कि आपका जो मकसद होता है वो कंफर्मेशन होता है कि आप सही बोल रहे हैं, आपका सवाल सही है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है वो इंग्लिश नहीं बोल सकता, यानी इस बारे में आप श्योर शॉर्ट हैं एक तरीके से, बस कंफर्मेशन चाह रहे हैं थोड़ी सी कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकता. कैन ही है ना, कैन ही है ना. तो इस तरीके से आपका ये टैग क्वेश्चन बनता है. इन डिटेल इंशाल्लाह जब मैं टैग क्वेश्चन के ऊपर ट्यूटोरियल बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको बता दूंगा. स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो राइट अवे मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, मैं आपको जवाब देता हूं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव हियर, द फोर्थ वन. ये एक इडियम कह लें आप, ये इडियमेटिक फ्रेज कह लें. ताली दोनों हाथों से बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है. इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल. इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल, ये इडियम है. अब ये ट्रांसलेशन नहीं है, यहां पर याद रखें. क्वेरल कहते हैं इंग्लिश में झगड़े को, झगड़ा करने को, हाथापाई झगड़ा वगैरह करने को क्वेरल कहते हैं. तो हर जबान का अपना अपना एक अलग मेथड होता है मुहावरे का. ठीक है, अलग अलग एक किस्म का मुहावरा होता है. तो इंग्लिश के अंदर हम इसको कहते हैं ताली बजाने से लड़ाई, क्योंकि लड़ाई जो शुरू होती है वो दोनों बंदे मिलकर ही शुरू करते हैं, कोई एक बंदे से शुरू नहीं होती. दोनों का कोई ना कोई एक्शन और रिएक्शन होता है जिसके बाद लड़ाई स्टार्ट होती है. इंग्लिश के अंदर इसके लिए
directly word istemal kiya hai, taali wagaira ka nahi, quarrel yani jhagda. It takes two, do logo ki zarurat padti hai, do bande hote hain to make a quarrel, ek jhagde ko banane ke liye, tamir karne ke liye, shuruaat karne ke liye. Fifth one that we have here is wo sirf bali ka bakra hai. Ye bhi bahut useful sentence hai hamari daily life ke andar, ek expressive idiomatic phrase hai. He is just a sacrificial lamb. He is just a sacrificial lamb bhi bolte hain, lamb bhi bolte hain. I guess dono sahi hai. He is just a sacrificial lamb. Yani lamb kehte hain. Ab dekho yahan par bhi aap ye dekhenge English ke andar lamb bola ja raha hai, halanki लाम का मतलब होता है भेड़, वो जो दुम्बा जो होता है, दुम्बे को लाम कहते हैं इंग्लिश में, जबकि उर्दू में हम इसी बात के लिए बकरे का वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर हम दुम्बे का वर्ड यूज कर रहे हैं. सेक्रिफिशियल यानी जिसकी कुर्बानी दी जाती है, कुर्बानी के लायक, जो कुर्बान होने वाला. ही इज जस्ट अ सेक्रिफिशियल लाम, वो सिर्फ एक कुर्बानी का दुम्बा है, ये कह सकते हो, या उर्दू के अंदर इसका जो हमारा मुहावरा है वो सिर्फ बलि का बकरा है. ऑलराइट, ओके ओके. नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ वन. वो मेरी आंख का तारा है. ही इज एन एप्पल ऑफ माय आई. ही इज एन एप्पल ऑफ माय आई. अगेन वही बात जो मैं आपको बताता आ रहा हूं कि इंग्लिश और उर्दू दोनों के मुहावरे जो होते हैं उसमें पर ट्रांसलेशन नहीं होती, बल्कि अलग अलग दोनों की सेंसेस होती हैं दोनों लैंग्वेजेस की. उर्दू में आप कहते हैं तारे से इसको ताबीर करते हैं, मेरी आंख का तारा है, जबकि इंग्लिश के अंदर आप उसको एप्पल यानी सेब बोलते हैं. ही इज एन एप्पल ऑफ माय आई. एप्पल ऑफ माय आई. ही इज एन एप्पल ऑफ माय आई. वो मेरी आंख का तारा है. ठीक है, इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन. नाउ लेट्स मूव टू द सेवेंथ वन. हम में जमीन आसमान का फर्क है. हम में जमीन आसमान का फर्क है. वी आर पोल्स अपार्ट. वी आर पोल्स अपार्ट. अब यहां पर भी आप देखें दोनों सेंटेंसेस के अंदर ट्रांसलेशन नहीं है, अलग अलग मुहावरे हैं. इंग्लिश का इडियम अलग है, उर्दू का अलग है. हम में जमीन आसमान का फर्क है और वी आर पोल्स अपार्ट यानी दो पोल जो होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने जो किसी जेल के पोल देखे हों तो जो सलाखें देखी हों तो दोनों सलाखों के अंदर फर्क होता है. ठीक है, अलग अलग एक डिफरेंस होता है. इसी तरीके से वी आर पोल्स अपार्ट इंग्लिश में बोला गया. और भी इसके पीछे कोई सेंस हो सकती है, मैं एक सेंस एक्चुअली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको इजीली समझाने के लिए. तो इंग्लिश में सिंपली वी आर पोल्स अपार्ट, हम में जमीन आसमान का फर्क है. अच्छा, ऐसी एक आध आपको ये एक और टिप बता रहा हूँ, किसी भी चीज को याद करने के लिए एक ऐसी एक आध पहचान बना लिया करें उससे रिलेटेड, क्योंकि आपको वो पहचान जब याद रह जाती है इजीली तो उससे आपको पूरा सेंटेंस याद आ जाता है. जैसे भी मैंने आपको एक जेल की सलाखों का एक वो दिया, उसके भी जो पोल्स होते हैं कि उसका एक आपको मैंने एक आइडिया दिया, आप उस आइडिया से याद रखें तो आपको ये सेंटेंस ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएगा जब भी आप बोलना चाह रहे होंगे. ऑलराइट, द एट्थ वन दैट वी हैव हियर इज आप गलत जगह पर आ गए हैं. आप गलत जगह पर आ गए हैं. यू हैव कम टू द रॉन्ग प्लेस. अच्छा, ये एग्जैक्टली ट्रांसलेटेड है, आप गलत जगह पर आ गए हैं, गलत जगह पर खड़े हैं, आ गए हैं. व्हाटसोएवर, यू हैव कम टू द रॉन्ग प्लेस. ये प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल सा एक सेंटेंस है, पॉजिटिव. यू हैव कम टू द रॉन्ग प्लेस. अब यहाँ पर अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रही हो कि अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट का है और कम की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं यूज हुई, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो लेट मी टेल यू के कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही है. कम केम कम कमिंग. कम इज द फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज केम, एंड थर्ड फॉर्म इज कम. वंस अगेन, कम केम कम, तो ये इसकी थर्ड फॉर्म ही है जो कि हमने यहां यूज की है. यू हैव कम टू द रॉन्ग प्लेस, आप गलत जगह पर आ गए हैं. लेट्स मूव टू द नाइन्थ वन. आपकी बड़ी मेहरबानी होगी. इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू. इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू. आपकी बड़ी मेहरबानी होगी. इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू. ये भी बहुत इजी और बहुत यूजफुल सेंटेंस है. आपकी बड़ी मेहरबानी होगी. इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू. ठीक है, मेहरबानी को काइंड के जरिए आप बोल सकते हैं. बहुत इजी है, इसमें आई गेस कोई मजीद समझने की बात नहीं है. लेट्स मूव टू द टेंथ वन.
फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, डोंट प्लग द फ्लावर्स, डोंट प्लग द फ्लावर्स, डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो, प्लग कहते हैं किसी फूल को तोड़ने को. अच्छा, नॉर्मली नॉर्मली कोई भी चीज आप तोड़ रहे होते हैं तो उसके लिए ब्रेक का वर्ड भी यूज होता है, ठीक है, और टेयर अपार्ट भी यूज होता है मेरे ख्याल से, फाड़ने के लिए वो तो यूज होता है, कागज वगैरह. और प्लक का जो वर्ड है ये स्पेशली यूज होता है फ्लावर्स के लिए, फूल वगैरह तोड़ने के लिए स्पेशली, कोई आप चुन के कोई चीज तोड़ते हो ना, ठीक है, उसके लिए, फ्लावर्स के लिए नॉर्मली यही वर्ड यूज होता है, इसके लिए आप कोई और वर्ड यूज नहीं कर सकते. डोंट प्लक द फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो. नंबर 11 इज, मुझ पर बहुत ज्यादा कर्जा है, आई एम अंडर हैवी डेप्ट, आई एम अंडर हैवी डेप्ट, मुझ पर बहुत ज्यादा कर्जा है, आई एम अंडर हैवी डेप्ट, मुझ पर बहुत ज्यादा कर्जा है. डेप्ट कहते हैं कर्जे को, और अंडर हैवी यानी कि मैं कर्जे के अंदर एक तरीके से डूब गया हूँ, ठीक है. आई एम अंडर हैवी डेप्ट, हैवी यानी कि बहुत भारी कर्जे के अंदर, ठीक है. आई एम अंडर हैवी डेप्ट, मुझ पर बहुत ज्यादा कर्जा है. तो इंग्लिश में इसको आप ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, आई एम अंडर हैवी डेप्ट, मुझ पर बहुत ज्यादा कर्जा है. लेट्स मूव टू द 12th वन. एक एक करके बोलो, ये भी बहुत यूजफुल सेंटेंस है. नॉर्मली क्लास के अंदर यूज किया जाता है, स्टूडेंट्स एक साथ जब एक चीज पूछना शुरू कर देते हैं तो टीचर नॉर्मली बोलते हैं एक एक करके बोलो. भाई सबके सब एक साथ क्यों बोल रहे हो, प्लीज स्पीक वन एट अ टाइम, प्लीज स्पीक वन एट अ टाइम, प्लीज स्पीक वन एट अ टाइम, यानी एक वक्त में एक ही बंदा बोले, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द 13th वन. द 13th वन इज, वो कभी भी आ सकती है, शी मे कम एनी टाइम, वो किसी भी वक्त या कभी भी आ सकती है, शी मे कम एनी टाइम, वो कभी भी आ सकती है, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द 14th वन. कौन शुरू करेगा, कौन शुरू करेगा, हु विल हैव अ गो. अच्छा, ये भी एक एक्सप्रेसिव सेंटेंस है, हु विल हैव अ गो. वैसे तो आप कह सकते थे हु विल स्टार्ट, ठीक है, लेकिन आप अच्छे एक्सप्रेसिव वे के अंदर हु विल हैव अ गो. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक गेम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और गेम थोड़ा सा फॉर एग्जांपल डेंजरस है, ठीक है, एक ऐसा गेम है जिसके अंदर कुछ चैलेंजेस हैं, चैलेंजेबल गेम है, तो अब हर कोई डर रहा है कि यार मैं पहले नहीं जाऊंगा, मैं पहले ये गेम स्टार्ट नहीं करूंगा, तो उस पर आप सवाल कर रहे हैं हु विल हैव अ गो. सबसे पहले कौन शुरू करेगा, किस में हिम्मत है, हु विल हैव अ गो. तो वहां पर ये ज्यादा सेंटेंस आपका अच्छा रहेगा, स्टार्ट के बजाय हु विल स्टार्ट या हु विल बिगिन के बजाय हु विल हैव अ गो, कौन पहले शुरू करेगा या कौन पहले जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट बट नॉट लीस्ट द 15th वन. बेहतर होगा तुम मेरी सीट छोड़ दो, बेहतर होगा तुम मेरी सीट छोड़ दो. यू हैड बेटर लीव माई सीट, यू हैड बेटर लीव माई सीट, यानी कि बेहतर होगा तुम मेरी सीट छोड़ दो. हैड बेटर का वर्ड ये एक एक्सप्रेशन कह लें, स्ट्रक्चर कह लें, या स्ट्रक्चर इज मोर बेटर. तो स्ट्रक्चर है हैड बेटर का, जो कि इसलिए यूज होता है जब आप कह रहे होते हैं किसी को, कोई एडवाइस कर रहे होते हैं, लेकिन एडवाइस नॉर्मल वे में और थोड़ा सा आप यानी कि गुस्से के अंदाज में कर रहे होते हैं कि भाई बेहतर होगा कि तुम ये काम मत करो, किसी को थोड़ी सी ऐसे डांटते हुए वालदैन बच्चों को कहते हैं बेहतर होगा अब तुम जो है बाहर मत जाना, यू हैड बेटर नॉट टू गो आउटसाइड, ठीक है. तो इस तरीके से आप हैड बेटर का यूज करते हैं, ये भी एक एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया, यू हैड बेटर लीव माय सीट, बेहतर होगा कि तुम मेरी सीट छोड़ दो, ठीक है. तो डेट्स इट फॉर द डे गाइज, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, लाइव सेशन पसंद आया होगा. कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएं, नेक्स्ट लाइव सेशन हमारा किस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए वो बताएं.